थोड़ा सा सीक्वेंस माइंड में रखिएगा। जैसे ही कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, क्वेश्चन में सारी स्टोरी वो आपको देगा। जैसे ही कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है तो पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशंस आती हैं। पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की हो। सो सीक्वेंस ऑफ द जर्नल एंट्री इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री हमेशा ये हुआ करेगी फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। पता चल गया होगा ना, एप्लीकेशन मनी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर इज ऑफ 50 रुपीज, 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, देन 10 ऑन फर्स्ट कॉल और बाकी का 10 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो दिस इज द बाइफरकेशन एज पर माई अजम्पशन आई एम मेकिंग। ईच शेयर इज ऑफ रुपीज 50। ठीक है, मैं अमाउंट कैलकुलेट करके ये एंट्री बताऊंगी। एंड फॉर एग्जाम्पल शेयर आर 10,000, राइट? डन। पहली एंट्री हमेशा हुआ करेगी फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, क्योंकि मैंने बोला है सारा सिस्टम ऑनलाइन है। कभी भी कोई शेयर होल्डर कंपनी को कैश में पेमेंट नहीं करेगा, ऑनलाइन कंपनी के अकाउंट में पैसे जाएंगे तो बैंक से एंट्री होगी। ठीक है, सो आई एम पासिंग द एंट्रीज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी से रिसीविंग द मनी। ठीक, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अगर शेयर का नाम इक्विटी है तो वी विल राइट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर प्रेफरेंस है तो उसे प्रेफरेंस बोलेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट। सो दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमेशा इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की होगी, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल। ठीक है, अगली एंट्री क्या होगी, इसे डेबिट करो, इसे खत्म करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप सारे सीक्वेंस याद रखिए, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव हुई, सेकेंड एंट्री की नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, पहले की नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। करवाओ मल्टीप्लाई, 1,00,000 मिला। वही 1,00,000 उठाया और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहां तक लॉजिक वाइज कोई डाउट है? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करना है। किस फॉर्म में आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म में आ रहा है तो एप्लीकेशन को क्रेडिट करना है। एप्लीकेशन को उठाना है और कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, सेकेंड एंट्री में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, अब अगला सीक्वेंस रिवर्स होगा, अलॉटमेंट मनी। अगला स्टेप क्या है कंपनी की तरफ से, हम अपने उन शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे बाय सेंडिंग मेल टू देम कि यू आर बीइंग सेलेक्टेड टू बी आर शेयर होल्डर, वी आर रेडी टू अलॉट यू शेयर्स। जब हम उन्हें अलॉट करने के को तैयार हैं, हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे और साथ में उन्हें बोलेंगे इतना पैसा आपने हमें पे करना है अलॉटमेंट का, दैट इज 30 रुपीज पर शेयर। तो अगला स्टेप क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है। आपने उन्हें बोला, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो अमाउंट ड्यू कर ली, दे विल पे टू यू। अगली एंट्री होगी पेमेंट की, वो हमें पे करेंगे और हम क्या करेंगे, वो अमाउंट रिसीव करेंगे। तो अगला एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। जब कभी भी कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होना है, क्रेडिट। सो दिस इज नॉट ऑफ रिसिप्ट, दिस इज ऑफ फॉर ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी, दिस इज अलॉटमेंट मनी। हम उन्हें बोलेंगे इतना पैसा आपने पे करना है, कितना पे करना है, 30 × 10,000, दैट इज 3,00,000। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000, एल मीन्स लैख। एंड आई एम अज्यूमिंग इन माई इमेजिनरी एग्जाम्पल दैट होल ऑफ देम आर पेइंग द फुल अमाउंट। वैसे तो डिफॉल्ट भी हो सकता है, कॉल्स इन एरियर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू द एंट्रीज, तो आई एम अज्यूमिंग सारे शेयर होल्डर्स ने सारी अमाउंट पे कर दी। अगला स्टेप क्या होगा, दे आर मेकिंग द पेमेंट टू अस फॉर रिसीट ऑफ दिस। जब ये पैसा आएगा तो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। हम इक्विटी साथ में प्रीफिक्स लगाते हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगला स्टेप, हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि इतने दिनों के बाद या 1 महीने के बाद आपने फर्स्ट कॉल पे करनी है।
जब हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, फिर से मेल भेजेंगे, हम अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिपीटेड है भाई एंट्री, सिर्फ नाम चेंज करना है। जब उसे ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर। इसे फर्स्ट कॉल बोलेंगे, इसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। 4 इंस्टॉलमेंट में 50 रुपए कंपनी मंगवा रही है अपने शेयर होल्डर से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? बोलो, ये भी 3 लाख मिल गया। 10,000 × 10 दैट इज 1 लाख। अगेन आई एम अज्यूमिंग सारे शेयर होल्डर्स ने सारी अमाउंट पे कर दी है। 1 लाख आपने उनसे मंगवाया था, उन्होंने 1 लाख पे कर दिया, फिर से मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा। अगली एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख। अब हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी सेकेंड कॉल पे करने की भी डेट आ गई है, तब एंट्री आएगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन वी विल रिसीव इट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओवरऑल 8 एंट्रीज में क्वेश्चन गया, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ड्यू करना है, दूसरी बार रिसीव करना है। सारी ट्रांजेक्शन में पहले ड्यू है, बाद में रिसिप्ट है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगी, बाद में ड्यू होगी, ठीक है। सीक्वेंस भी यही कहता है, जैसे ही मेरे शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, साथ में एप्लीकेशन मनी दे देंगे, तो पहले एप्लीकेशन मनी मिलती है, बाद में वो क्या होती है? ड्यू होती है। बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू है, बाद में रिसीव। लॉजिक वाइज क्लियर है एंट्रीज? चलिए जी, बुक में से देखते हैं अगला स्टेप उसने क्या किया। लेट्स सी फ्रॉम योर बुक। सेकेंड एग्जाम्पल डन विथ। यस, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर 9.17। अभी वो जर्नल एंट्री नहीं स्टार्ट कर रहा, वो भी बैलेंस शीट का ही हमें बता रहा है। सी थर्ड इलस्ट्रेशन। सिंपल मशीन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू, अब की बार 5 लाख, 50 लाख उसकी ऑथोराइज कैपिटल है, एंड दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज व्हाट इक्विटी एंड अदर इज व्हाट प्रेफरेंस। तो पहली बार एक क्वेश्चन ऐसा आया जिस क्वेश्चन में मेरे पास टू कैटेगरीज ऑफ शेयर्स है, वन इज व्हाट इक्विटी एंड अदर इज व्हाट प्रेफरेंस। तो मैं दोनों के बारे में सेपरेटली अपनी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में लिखूंगी। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, नोट टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, व्हाट वी कॉल इट शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या बोलते हैं, पहली टाइप ऑफ कैपिटल क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। लिखो फिर हेडिंग, ऑथोराइज्ड कैपिटल। हैज ही गिवन अस ऑथोराइज्ड कैपिटल? हाउ मच? लिखो 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, सो दिस इज 40 लाख। देन प्रेफरेंस शेयर्स कितने? उलट है प्रेफरेंस शेयर का, ये अगर 10 रुपए का है तो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक है, ठीक है। तो वो कितने शेयर्स हो गए? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each, वो 10 लाख बन गया। इट इज 50 लाख। अगली कैटेगरी क्या होती है? इश्यूड कैपिटल। हैज ही गिवन इश्यूड कैपिटल? यस, कहता इक्विटी में से मैंने 2,75,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करे और प्रेफरेंस सारे के सारे करे। चलिए बनाइए फिर इश्यूड कैपिटल डिटेल। इश्यूड कैपिटल 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, 27,50,000 डन। उसके बाद 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 each, वो 10 का 10 लाख रहा। ये 27,50,000 आया, वो 10 का 10 लाख। बोलो इश्यू कैपिटल का टोटल 37,50,000। इज इट मैचिंग विद योर बुक? डन। इश्यू कैपिटल तक डन।
ये दोनों बहुत आसान होती हैं, वहीं से फिगर्स उठानी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना। सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में हमें आमतौर पर डाउट रहता है, लेट सी सब्सक्राइब कैपिटल हियर। यू जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी इज देयर एनी फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। ये सारा ही फुली पेड अप है। ओके, सो आई एम मेकिंग द हेडिंग हियर, स्टिल आई हैवंट रीड द स्टेटमेंट। सब्सक्राइब कैपिटल इज द हेडिंग। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। इक्विटी की एप्लीकेशन 2.5 लाख की आई, प्रेफरेंस पूरी आ गई। द एंटायर नॉमिनल वैल्यू इक्विटी का हम लोगों ने 100 का 100 रुपया मंगवाया एंड प्रेफरेंस के ऊपर सिर्फ 80 रुपीस मंगवाया। इट मींस कि ये तो फुली कॉल्ड अप है, ये फुली कॉल्ड अप नहीं है। ठीक है, जब कंपनी खुद कम मंगवाती है तो भी तो वो नॉट फुली पेड अप होता। इट मींस कि इक्विटी आपका फुली पेड अप है। हाउ इज शोइंग इट? हाँ, इक्विटी को वो फुली पेड अप में लिख रहा है और प्रेफरेंस को वो नॉट फुली पेड अप में लिख रहा है। इज ही करेक्ट? इज देयर एनी केस ऑफ कॉल सिनेरियो इन दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी कॉल सिनेरियो? यस, देयर इज नो कॉल सिनेरियो बिकॉज देयर इज नो डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी ने खुद ही 100 में से 80 रुपए मंगवाए हैं। किसके? प्रेफरेंस शेयर्स के। इट मींस कि सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स नॉट फुली पेड अप में आएंगे और सारे के सारे इक्विटी शेयर फुली पेड अप में आएंगे। सो आई एम राइटिंग द सब हेडिंग हियर, subscribed and fully paid, paid up भी लिखता है शायद साथ में। कितने थे subscribed? 2,50,000 shares at the rate of 10 each, 25 लाख लिखा हुआ है सारा कुछ। 2,50,000 equity shares at the rate of 10 each, so that comes to me 25 lakh। अगली हेडिंग क्या बनाऊं? सब हेडिंग बोलो। यस, बिल्कुल ठीक। यहां पे सब्सक्राइब एंड वर्ड लगता है, वहां पे बट लगता है वर्ड। ठीक है, सब्सक्राइब एंड, और इसके बाद लाइन नहीं लगानी क्योंकि मैंने ये टोटल में ऐड करना है, राइट? अब अगली सब हेडिंग क्या बनेगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पे। So, एक नई चीज उसने आपको सिखाई, इफ देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द शेयर तो हो सकता है एक फुली पेड अप हो और दूसरा क्या हो? नॉट फुली पेड अप हो। सो इक्विटी इज फुली पेड अप इन दिस केस एंड प्रेफरेंस इज नॉट फुली पेड अप इन दिस केस, राइट? एंड दैट आर 10,000, लिखने का ढंग बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच कॉमा रुपीज 80 कॉल्ड अप। यस, 10,000 into 80, that comes to me 8 lakh, am I right? So अगर कोई मेरे से पूछे total capital balance sheet में कितनी show करनी है, that is 33 lakh, but different ही show करेंगे क्योंकि equity भी balance sheet में अलग show करना होता है और preference balance sheet में अलग show करना होता है, और कहने को दोनों का grand total 33 lakh आएगा। So same he did in your book. Any doubt to anyone? So this was your third illustration. Now directly he is starting with the journal entries, right? ये जो बॉक्स में लिखा है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दैट आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन। ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसको अभी रहने दो, बॉक्स वाली एग्जांपल्स भी छोड़ दो। जर्नल एंट्रीज मैंने सारी करवा दी हैं आपको। जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन करने से पहले दो बातें माइंड में रखना। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, पहला केस एट पार, दूसरा केस एट प्रीमियम। मींस बार्टर सिस्टम नहीं है, शेयर के बदले में कोई एसेट नहीं खरीद रहे हो, शेयर अगर बेच रहे हो, पब्लिक को बेच रहे हो और बदले में कैश ले रहे हो, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार, अगर 10 का शेयर है तो आपने 10 में ही इशू किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट प्रीमियम, 10 वाला शेयर 2 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, 12 पे इशू किया, दैट इज 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम। 10 का शेयर अगर 8 में इशू करें तो वो शेयर इशूड एट डिस्काउंट है, लेकिन 2013 में डिस्काउंट पे शेयर कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। कैन अ कंपनी इशू शेयर ऑन डिस्काउंट? नो। आपका आंसर सीधा नो।
ठीक है, आज से 7-8 साल पहले 10 वाला शेयर कंपनी 8 में भी इशू किया करती थी, तब 2 रुपए माइनस हुआ करते थे और 2 रुपए पर शेयर डिस्काउंट हुआ करता था, बट डिस्काउंट का केस अब डिलीट हो चुका है, कंपनी सेक्ट में इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है, मींस हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 टॉपिक रहे। वन इज व्हाट, यहां पे मैं थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करूंगी, और मैंने अभी बोला अ कंपनी कांट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट टू पब्लिक, बट कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर टू एट डिस्काउंट टू इट्स एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉइज को कंपनी कम प्राइस पे शेयर इश्यू कर सकती है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, दैट इज ESOP। ESOP E का मतलब है एम्प्लॉई, S का मतलब है स्टॉक, O का मतलब है ऑप्शन, P का मतलब है प्लान। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर हम अपने एम्प्लॉइज को अपनी ही कंपनी के शेयर इश्यू करते हैं और उन्हें बोलते हैं मार्केट में अगर 100 रुपए का शेयर है तो मैं तेरे को 75 में दूंगा। अपने एम्प्लॉइज की सर्विसेज को एक रिवॉर्ड देने के लिए आप अपनी ही कंपनी के शेयर उन्हें कम प्राइस पे देते हैं। इट मींस कि शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट ओनली टू एम्प्लॉइज, नॉट टू द जनरल पब्लिक। गेटिंग इट? एंड अबाउट ESOP वी विल बी रीडिंग इन डिटेल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, फुल फ्लेज्ड पेज ही हैज असाइंड टू दिस टॉपिक। तो जब चैप्टर हमारा खत्म होगा वी विल रीड अबाउट ESOP, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, ठीक है। फिलहाल आपने याद रखना है एम्प्लॉइज को शेयर्स डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो प्रीमियम है इसका हिसाब किताब हम एंट्रीज में कैसे करेंगे भाई? 10 रुपए का शेयर है वो खुद बताएगा 2 रुपए एक्स्ट्रा लेने हैं, मींस प्रीमियम लेना, मींस 12 रुपए लेने हैं। अगर क्वेश्चन में खुद कुछ नहीं कहता तो प्रीमियम इज ऑलवेज टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अब मैं हिसाब किताब बना के बताती हूँ 12 रुपए कैसे लेगी कंपनी। मान लो 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 7 रुपए अलॉटमेंट पे है, और वो 7 कैसे कहता है, 5 तो फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम, वो खुद बताएगा, ठीक है। यहां तक हो गया 9, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 1 रुपया सेकेंड कॉल, हो गए 12 रुपए। इन एनी वे ही कैन गिव यू द डिमार्केशन, वो इंस्टॉलमेंट की मनी आपको देगा, और आमतौर पे अलॉटमेंट पे प्रीमियम रहता है। कभी कभार कोई एक आधा क्वेश्चन वो डालेगा, कुछ हिस्सा प्रीमियम का एप्लीकेशन पे है और कुछ क्या है अलॉटमेंट पे है, और कभी कभार ये हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 4 रुपए, एक ही क्वेश्चन ऐसा है, 4 रुपए प्रीमियम है, उसमें से कहता है 1 एप्लीकेशन के टाइम पे, 1 अलॉटमेंट के टाइम पे, 1 फर्स्ट कॉल के टाइम पे और 1 सेकेंड कॉल के टाइम पे, मींस इन ऑल इंस्टॉलमेंट्स द प्रीमियम कैन बी डिवाइडेड एंड देयर इज ओनली 1 इलस्ट्रेशन एंड 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डालेगा तो प्रीमियम 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देगा, अदरवाइज आमतौर पर प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। सो आई वॉज टेलिंग यू हाउ द जर्नल एंट्रीज आर टू बी पास व्हेन द प्रीमियम इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहली 2 एंट्रीज सेम रहेंगी, आई एम अज्यूमिंग दिस केस that the premium we are getting at the time of allotment. पहली 2 entries क्या थी? Application money का मिलना, bank account debited to share, साथ में equity word लगाएंगे, share application account, मिल गई application money. दूसरी entry क्या थी? Share application to share capital, हो गया transfer. Done. अब मैंने बोला है allotment के साथ premium है, चलो मान के चलते हैं 10,000 shares है, 1,00,000 कर लो, चलो 1,00,000 शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से 2,00,000 मिल गया। ये मनी उठानी है और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते जाना है, इंस्टॉलमेंट की मनी उठाओ और अमाउंट कैलकुलेट करो, राइट। अब ये 5 और 2 7 है, अब इसकी एंट्री मैंने कैसे बनानी है, अगला सीक्वेंस क्या है, अलॉटमेंट ड्यू करो। जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो देखना जरा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक नामा नया अकाउंट विच वी कॉल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR बोला करूंगी मैं इसे बार बार क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। व्हाई इट इज बीइंग क्रेडिटेड, एनी लॉजिक? 2 चीजें ही क्रेडिट होती हैं जर्नल एंट्री में, या तो वो इनकम होती है या लाइबिलिटी होती है, इस इट आर लाइबिलिटी और इनकम? इनकम है भाई, गेन है, 10 के बदले में 12 रुपए ले रहे हो, सो इट इज अ बेनिफिट फॉर यू, सो बीइंग अ बेनिफिट इट इज टू बी क्रेडिटेड। And if somebody asks from you, its nature, because it is reserve, it is to be shown in the balance sheet under the head reserve and surplus. ठीक है, एक तरह का gain है, लेकिन कभी कभार होता है ये gain, कभी कभार company अपने share को premium पे बेचेगी, इसलिए हम इसे reserve का नाम देते हैं, और and all reserves are always being credited ना, all reserves are always being credited, reserve और provision हमेशा credit होते हैं when we create them, that's why it is being credited, being a benefit of non-recurring nature and we call it as reserve, so that's why it is being credited in the journal entry. Any doubt to anyone? Who will tell me the amount?
अलॉटमेंट में 1 लाख को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 लाख, शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू 5 लाख और प्रीमियम में सबको पता है 2 लाख, या पहले प्रीमियम फिल कर लो वो 2 लाख आना है, फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा और वो फेस वैल्यू होगी, बाकी सारी एंट्री सेम जो पहले बता चुके। फर्स्ट कॉल की बोलो, फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 2 लाख, फिर मिल जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। हाँ नहीं करो फिर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 7 लाख, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल से पहले अलॉटमेंट रिसीव की होगी, आई एम अज्यूमिंग अगेन देयर इज नो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर होगा तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे इस चैप्टर का पार्ट है, वी विल बी रीडिंग इट राइट। उसके बाद आपको जब न्यूमेरिकल करना है तो दो और चीजें माइंड में रखनी है, वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अदर इज अंडर सब्सक्रिप्शन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट केस एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू विल फाइंड ईदर ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड डालेगा तो हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा, ठीक है। चलिए जी देखते हैं क्या मतलब है दोनों का, ओवर सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब कैपिटल, एंड अब बुक में देखना जरा, सब्सक्रिप्शन में पी डालता है कि बी डालता है, मैंने ठीक लिखा पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल और सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब कैपिटल, जो नहीं जो पे किया वो नहीं, वो पेड अप है, जो 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 पब्लिक ने सब्सक्राइब का मतलब अप्लाई किए, ठीक है। सब्सक्राइब को डिफाइन करते हुए सब्सक्राइब वर्ड तो नहीं ना लिखेंगे, अप्लाई, सो दीज आर द शेयर्स विच आर बीइंग अप्लाइड बाय पब्लिक, आपके पास देने को, आपने पब्लिक को बोला मेरे पास बेचने को 1 लाख शेयर है, आपकी कंपनी की इतनी अच्छी रेपुटेशन है दैट द पीपल आर वेटिंग फॉर योर शेयर्स, like I am taking the example of Reliance, I am taking the example of Tata Birlas, they just wait, yes they just wait for the shares to be launched by such companies, kyunki in companies ki reputation itni achhi hai ki saal bar saal inka profit badhta hai aur acha khasa dividend aur return milta hai, theek, aapko application aayi 1.5 lakh shares ki, this is the case of oversubscription, you have to give the shares less in a number but you got the application for more share, so you are in a stressful situation, you are as a company ki main kaise bhai inko sulchhau, theek hai, ise bolte hain over subscription, maan lo aapki company isi saal pehli baar khuli hai, 2021 mein aapki company ki opening ceremony hui hai, aapne market mein share launch kiye hain 1 lakh, application sirf 70,000 ki aayi kyunki log aapke bare mein itne trustworthy nahi hai, aapko itna भरोसा अभी नहीं मिला पब्लिक का, यहाँ पे तो आप बिजनेस ही नहीं स्टार्ट कर पाओगे क्योंकि एटलीस्ट 90% ही नहीं मिला, सो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन भाई, व्हेन यू हैव इनवाइटेड फॉर मोर एप्लीकेशंस एंड यू आर रिसीविंग द लेस एप्लीकेशन इन कंपैरिजन टू द इशूड कैपिटल, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कब होगी, व्हेन सब्सक्राइब्ड इज मोर देन इशूड, अंडर सब्सक्रिप्शन कब होगी, व्हेन सब्सक्राइब्ड इज लेस देन इशूड, केस इज क्लियर। इस केस में मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लो 92,000 मिल जाती है एप्लीकेशन तो मैं अलॉट कर देती ना, क्योंकि 90% से ज्यादा है, पर केस तो फिर भी अंडर सब्सक्रिप्शन का रहता, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे पास तो ज्यादा शेयर थे पड़े लेकिन एप्लीकेशन ही 90,000 की आई, मैं आसानी से सबको अलॉट कर दूंगी। बात यहां पर आके अड़ती है, हाउ टू अलॉट, पहला केस है एज प्रथम इज सेइंग 50,000 एप्लीकेशन जिन्होंने करी है आउटराइटली उनका पैसा रिफंड कर दो, 1 लाख को अलॉट कर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब किताब लगा लो, जिनकी एप्लीकेशन पहले आई है उन्हें अलॉट कर दो, जिनकी लेट आई है उनको पैसा वापस कर दो, क्या कौन सा पैसा, एप्लीकेशन मनी का, ठीक है। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती, वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, आमतौर पर कंपनी प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो करती है, प्रोपोर्शनेट, और इसे मैं इस चैप्टर में प्रोराटा अलॉटमेंट बोला करूंगी, प्रोपोर्शनेट वर्ड से बना प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट, हाउ कम, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया है उन्हें 40,000 दीजिए, जिन्होंने 10,000 के लॉट बना लिए ना, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें निल, यहाँ पे 70 हो गया, जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया है उन्हें 60,000 दे दीजिए, हो गया हिसाब किताब खत्म। पहला कॉलम कौन सा बना, अप्लाइड का, दूसरा कॉलम कौन सा बना, अलॉटेड, प्रोपोर्शनेट है ना,
अगर मैं प्रपोर्शन पूछूं तो प्रपोर्शन क्या बना, 6:4 का बना, अप्लाइड एस टू अलॉटेड। अगर मैं अलॉटेड एस टू अप्लाइड का प्रपोर्शन पूछूं तो 4:6 है, ऐसे प्रपोर्शन पूछता है वो। 4:6 का मतलब क्या है, 2:3। जिन्होंने जिन्होंने तीन शेयर के लिए अप्लाई किया था, शॉर्टेस्ट फॉर्म में बोलूं, उन्हें मैंने 2 ही दिए। मींस मैंने किसी को डिनाई नहीं किया, सिर्फ इस कैटेगरी को डिनाई किया, ठीक है। 10,000 वाले लॉट को मैंने कोई भी शेयर नहीं दिया, सिर्फ इनका पैसा रिफंड होगा, इनका कुछ भी पैसा रिफंड नहीं होगा, क्योंकि इनसे जितना भी ज्यादा मिल चुका है ना पैसा, हम बोलेंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे, वी कॉल इट एक्सेस मनी। सिंपल सा फंडा है। अगर किसी बंदे से मैंने 50,000 लेना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में और 20,000 उसका पहले से एडवांस में आया हुआ है, क्या 20,000 मैं उसे लौटाऊंगी? मैं नहीं बोलूंगी उसे कि, मैं बोलूंगी 20,000 मेरे पास ही रहने दे, जो 50 मैंने तेरे से लेना है 20 मैं उसमें से एडजस्ट करूंगा, अब तू 30 दे देना। इसे बोलते हैं एक्सेस मनी एडजस्टेड। सो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन व्हेन देयर इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन यू मे रिसीव एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव एक्सेस मनी एंड दैट एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन द कमिंग इंस्टॉलमेंट ईदर अगेंस्ट अलॉटमेंट। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस विच वी कॉल थ्रू आउट दिस चैप्टर प्रो राटा अलॉटमेंट। ये तो मेरी इमेजिनरी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने डाटा बनाया, वो जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन में बोलेगा मैं वैसे वैसे करती जाऊँ, ठीक है। पहली 3-4 इलस्ट्रेशन, रादर 5-6 इलस्ट्रेशन वो सिंपल डालेगा, फिर धीरे धीरे वो ओवर सब्सक्रिप्शन पे जाएगा, ठीक है। मैंने बिफोर हैंड आपको सब कुछ बता दिया कि मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आगे जाके केस होगा 4 फीचर का, वो डिस्कस करेंगे। लास्ट में जाके केस होगा री इशू का, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बहुत सारी एग्जांपल्स हमारी प्रो राटा की ही होंगी, दैट वी विल डिस्कस थॉरली, और जो कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है वही क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक। चैप्टर नीड्स योर कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। प्लस कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन शुड बी फास्ट, क्योंकि आना फिर से ऑब्जेक्टिव ही है इस चैप्टर में से। पूरा क्वेश्चन डाल देगा और बोलेगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड निकालो, साथ में कॉल्स इन एरियर का केस डालेगा, आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर ढूंढना पड़ेगा ना एमसीक्यू में से कॉल्स इन मनी कितना है। बोलेगा कॉल्स इन एरियर की अमाउंट निकालो, आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कितने लोगों ने डिफॉल्ट किया, कॉल्स इन एरियर निकालोगे, और फिर एंड में आके फोरफीचर का केस वो डालेगा, फोरफीचर में कितना डेबिट करें, ठीक है। वो केस जब आएगा तो वी विल डिस्कस, राइट। सो लेट्स बिगिन। हाँ 5 मिनट्स पड़े हैं ना, तो आई हैव टू स्टार्ट। कल भी मैंने जल्दी छोड़ा था, आई वेस्टेड माई टाइम, आई हैव ऑलरेडी लिमिटेड टाइम। मैं तो बैचलर स्टडीज का पीरियड यूज कर रही हूँ अकाउंटेंसी में, तो जितना होगा वी विल डिस्कस, राइट। चलो डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल के ऊपर एक लाइन लिखी है, इशू शेयर एट पार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट पार, काक्षी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट पार? टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट पार? जितनी फेस वैल्यू है उतने पे इशू किया, नथिंग लेस नथिंग हाई देन दैट, ठीक है। ना प्रीमियम पे है ना डिस्काउंट पे है, 10 का शेयर 10 में ही गया, 100 का शेयर 100 में ही गया। चलो जी पहली एंट्री डिस्कस करते हैं। डायनेमिक लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 lakh इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक, सारे का सारा पैसा कहता है एप्लीकेशन में दे देना, सिंगल इंस्टॉलमेंट हो सकता है ऐसा भी। पेज नंबर 9.22, फोर्थ इलस्ट्रेशन आई एम डूइंग 9.22, डन। सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिलना है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 10 lakh, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 10 lakh, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पैसा है ही नहीं, सारे का सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट में है। सो इट मे हैपन, ठीक है, कि सारे का सारा पैसा वो एक इंस्टॉलमेंट में मंगवाए। और एक बात मैंने, आपने बोला ठीक बोला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, एंड यू नो व्हेन द कंपनी इज गेटिंग द मनी इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, वी गिव इट अ कंबाइंड नेम, वी विल नॉट बी कॉलिंग इट ओनली एप्लीकेशन, वी विल बी गिविंग इट अ कंबाइंड नेम, दैट इज अलॉटमेंट। ये एप्लीकेशन मनी मिली और साथ में अलॉट भी हो गया, तो मैं उस अकाउंट को नाम डबल दूंगी, I will be calling it share application and allotment account. I will not only be calling it application account, I will be calling it a combined account if the amount is received in a single installment. You are getting it? चलिए जी आगे चलते हैं। Fifth बढ़ो। Anshika invited for 10,000 shares and each share is of rupees 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब अगला देखना, 10 रुपए कैसे कवर होने हैं, 3 एप्लीकेशन पे,
चार अलॉटमेंट पे और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डन। 10 रुपए ऐसे कवर होंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड और इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज करो। कुल मिला के 6 एंट्रीज होनी है क्योंकि इंस्टॉलमेंट 3 है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होती है। एम आई राइट? पहली एंट्री बोलो, 10,000 शेयर्स है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30,000, डन। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 30,000। देन अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 40,000। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। देन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000 एंड देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। ऐसे क्वेश्चन आने नहीं है, दिस इज ओनली द बेस। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे डिस्कस किया। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोराटा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन।